मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर यूं तो पहले कोरोना काल से ही संक्रमण का हॉटस्पॉट रहा, लेकिन दूसरे कोरोना काल में तो कोरोना इंदौर पर कहर बरकर बरपा। वहीं इस संक्रमण काल में जब संक्रमितों की सांसें उखड़ने लगी तो एक इंजेक्शन जिसे रेमडेसिविर कहा जाता है उसकी शहर में मानो जैसे लूट सी मच गई। आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग भरे लॉकडाउन में घर से बाहर निकल पड़े और फिर शुरू हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इंदौर पुलिस ने मोर्चा संभाला और अपनी जांच में इस करोड़ों के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया। देखिए एसीएन भारत की ये विशेष रिपोर्ट। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के माफिया और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का बयान सामने आने के बाद से ही इंदौर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद कोरोना का दूसरा काल शुरू हो गया। ये वही दौर है जब इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने कोहराम मचा दिया और इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र स्थित दवा बाजार में सुबह से सैकड़ों शहरवासी लाइन में लगकर अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों को बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम करते थे। इंजेक्शन की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने रेमडेसिविर सप्लाई की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और सभी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के अनुसार रेमडेसिविर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद रेमडेसिविर की कमी बनी रही। इसका फायदा उन लोगों ने उठाया जिन्हें इंसान की जान की कोई कदर नहीं। खाली रेमडेसिविर की बॉटल में किसी ने डिस्टिल वाटर भर दिया तो किसी ने इसमें ग्लूकोज भरकर बाजार में बेच दिया। मामले को हाथ से निकलता देख पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने मातहतों को इस इंजेक्शन की बिक्री रोकने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए। फिर क्या था, इंदौर पुलिस के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मिलकर पहले दो आरोपी दिनेश चौधरी और तरुण साजनानी को पकड़ा, जिनसे पूछताछ में पुलिस को असीम भाले और प्रवीण के बारे में जानकारी मिली। इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रैल मई माह में पुलिस टीम को बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वो दौर था जब मध्य प्रदेश सहित तमाम बड़े राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कोरोना से जंग जारी थी। इंदौर पुलिस ने चारों आरोपियों से लगातार पूछताछ की और उनसे जब इन नकली इंजेक्शन के मिलने के सोर्सेस की जानने की कोशिश की गई तो पुलिस के सामने एक नया नाम आया और वो था सुनील मिश्रा, जो इस पूरे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कांड का मुख्य सप्लायर था। यहां से हुआ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश। देखिए, जो कोरोना की दूसरी लहर है इसने अप्रैल के महीने में पूरे हिंदुस्तान में भयंकर तबाही मचाई। हर जगह जो है हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत थी, बेड नहीं मिल रहे थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, और ऐसे केसेस में जो रेमडेसिविर दवाई है इसको कुछ हद तक प्रारंभिक स्टेज में प्रभावी माना जा रहा था, और चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी तो ये इंजेक्शन की जो रेट हैं वो 15,000 से 20,000 तक लोगों ने वसूले, और इसी को लेकर के जो आदरणीय DIG सर हैं उन्होंने मुझे निर्देशित किया था कि आप लोग जो है अपना पूरा काउंटर इंटेलिजेंस आप लगाएं, इसमें जितना भी मुखबिर तंत्र है उसको सक्रिय करें, तो आप साइबर की मदद लें, लेकिन किसी भी हालत में जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं इनका पकड़ा जाना चाहिए। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे ये देखा कि लगातार ये जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत है तो संपर्क करें, और इस तरह के जो मैसेज है वो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चलते थे, और हम लोगों ने भी उनको ट्रैक करना शुरू किया और उसी के माध्यम से 2-3 केसेस हम लोगों ने पकड़े। शुरुआत में जो केसेस पकड़े तो वो हालांकि नकली इंजेक्शन के नहीं थे। इसके बाद एक केस पकड़ में आया और उसमें दो लड़के पकड़ में आए, इसमें से एक था दिनेश चौधरी और दूसरा था धीरज साजनानी। जब इनको पकड़ा हम लोगों ने तो इनसे 2 इंजेक्शन बरामद हुए और इनसे पूछताछ करी कि आप इंजेक्शन कहाँ से लेकर के आए, तो उन्होंने फिर 2 लड़कों का नाम बताया और वो लड़के थे असीम भाले और एक प्रवीण नाम का लड़का था, ये थे। इनसे भी इंजेक्शन बरामद हुए, क्योंकि उस समय पे अप्रैल का और ये मई का महीना जो है इतना क्रूशियल था कि हम यहाँ से बाहर कहीं टीम भेजना भी खतरे से खाली नहीं था, उनके खुद भी इन्फेक्टेड हो जाने का खतरा था।
तो हम लोगों ने इसकी जब एक और CDR निकाली, इसकी तहकीकात करी, इसका इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये पता चला कि सुनील मिश्रा नाम का एक लड़का है जो कि इनको सबको सप्लाई करता है और इसके तार जो है गुजरात से जुड़े हुए हैं और उसकी लोकेशन सूरत गुजरात में आ रही थी। इंदौर पुलिस ने अपनी सजगता के चलते गुजरात के सूरत से सुनील मिश्रा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद गुजरात पुलिस को कौशल बोरा और पुनित शाह के फार्म हाउस में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की पूरी फैक्ट्री मिली। विनित शाह और कौशल वोरा को इंदौर पुलिस गुजरात से इंदौर लेकर आई, जहां पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने मध्य प्रदेश को 1200 इंजेक्शन सप्लाई किए, 500 इंजेक्शन सिटी हॉस्पिटल जबलपुर भेजे गए, वहीं 700 इंजेक्शन डिफरेंट वेरिएंट के माध्यम से रिटेल में बेचे गए। इस पूरे मामले में इंदौर के पुलिस अधीक्षक पूर्व आशुतोष बागरी ने बताया कि इस गोरख धंधे से आरोपी सुनील मिश्रा ने 50 से 55 लाख के करीब कमाई की। सभी आरोपियों से पूछताछ में निकलकर सामने आया कि इन सभी आरोपियों ने भी नकली इंजेक्शन बेचकर 1,85,00,000 रुपए कमाए, जिसका भंडाफोड़ किया इंदौर की पुलिस ने। इस पूरे मामले में इंदौर के SP पूर्व आशुतोष बागरी ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। और इंदौर में जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में इन्होंने जो है 5-1,000 इंजेक्शन बनाए थे और वो इंजेक्शन पूरा एक लाठी इनका बिक गया और इतना इसमें कमाई हुई, क्योंकि देखिए इसमें जो है ग्लूकोज और नमक वो मिला रहे थे, तो ग्लूकोज और नमक की कोई कीमत नहीं और एक CC उन्होंने रेमडेसिविर की बनवा ली और रैपर लगा लिया और तो मुश्किल से 50 से 60 रुपए में वो बनके तैयार हो जाता था और उसको वो बेच रहे थे 5,000, 6,000, 10,000 जितना जिससे वसूला जा सका, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे जो इन लोगों ने 700 इंजेक्शन दिए तो करीब 50 से 55 लाख के करीब जो है सुनील मिश्रा ने कमाई इसमें। और इसके बाद इसके अलावा जो इन लोगों से जो पूछताछ हुई, इन लोगों से पूछताछ में ये बात पता चली कि इन लोगों ने भी करीब 1,56,00,000 के करीब का जो है, सॉरी 1,85,00,000 के करीब का इन लोगों ने भी जो पुनीत शाह कौशल बोरा है इन लोगों ने इसमें अर्न किए। इनका प्लान ये था कि ये इसमें मुंबई से और पुणे से इन लोगों ने CC जो होती है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, CC और जो रैपर है वो इन लोगों ने तैयार करवाए थे और इसके बाद 1,00,000 CC इनके पास में वहाँ पे इन्होंने इकट्ठा कर रखा था। तो यदि ये नहीं पकड़े जाते तो निश्चित तौर पे ये 1,00,000 इंजेक्शन या कि और भी ज़्यादा इंजेक्शन ये लोग तैयार करते, क्योंकि बहुत ही लुक्रेटिव काम था तो तैयार करते और ना जाने और भी कितनी सारी डेथ इसमें होती। लेकिन ये है कि इसमें इंदौर पुलिस और गुजरात पुलिस दोनों की इसमें सक्रियता रही कि समय रहते ये पूरा जो रैकेट है वो पकड़ में आ गया और जो काफी मौतें हैं वो हम लोग इसमें बचा पाए। इस पूरे मामले में इंदौर के पुलिस अधीक्षक पूर्व आशुतोष बागरी ने कहा कि इंदौर में सुनील की गिरफ्तारी के बाद पूरा गिरोह सामने आया। पूछताछ में आरोपी कौशल ने पुलिस को बयान दिए कि शुरुआत के इंजेक्शन बेचने से उन्हें 5 दिन में ही 1,00,00,000 के करीब राशि आई, तो उन्होंने 1,00,000 वायल तैयार कर और नकली इंजेक्शन तैयार करने की प्लानिंग कर ली। लेकिन इंदौर से सुनील की गिरफ्तारी होते ही कौशल और पुनित भी गुजरात पुलिस के हत्थे चढ़ गए। SP आशुतोष बागरी के मुताबिक पुलिस ने पहला केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनसे मिली लिंक के बाद 9 आरोपियों और पकड़े गए। इसके बाद सूरत के ड्रग माफियाओं से जुड़े इंदौर के मुख्य सरगना सुनील मिश्रा को ट्रैक किया गया। सुनील से पता चला इंदौर में बिकने आए 1200 रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली है। इस जानलेवा गिरोह ने सिर्फ 15 दिन में नकली इंजेक्शन से 2,96,60,000 रुपए कमाए। आरोपी 5 दिन में 1,00,00,000 कमाने की बात पुलिस के सामने कबूल चुके हैं। अब तक इंदौर पुलिस 5 प्रकरण दर्ज कर 29 आरोपियों को पकड़ चुकी है। इसमें देखिए इंजेक्शन जब्त नहीं हुए, क्योंकि देखिए इस समय जब ये अप्रैल का महीना था उस समय इतनी मारा मारी थी कि जो भी इंजेक्शन था वो जिन्होंने लिया उन्होंने लगा दिया। तो और शुरुआत में तो हमें भी नहीं पता था कि ये इंजेक्शन जो है नकली है या कि जो लगा रहे थे उनको भी नहीं पता था कि नकली है। ये तो बाद में जब रैकेट क्लियर हुआ तो पता चला कि ये इंजेक्शन जो है नकली निकले। दूसरी बात इसमें जो ये बात समझ में आई इसमें सुनील मिश्रा का और इनका कि जो यहाँ का इनका लोकल लेवल पे नेटवर्क था तो कुछ ने इसमें किया, पर असल में शुरुआती दौर में तो किसी को नहीं पता था। ये सुनील मिश्रा और ये कौशल बोरा और पुनीत शाह यही थे, यही लोग थे जो जान रहे थे कि ये जो है इंजेक्शन नकली है। हाँ, किसी का नहीं होता। और सबसे पहली बात जो इनके दिमाग में बात आई थी, दिमाग में बात ये आई थी कि सबसे पहले हमें एक असली रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए और असली रेमडेसिविर इंजेक्शन जब मिल जाएगा तो उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और वैसे ही जो है सेम नकली तैयार करेंगे। तो इन्होंने जो पुनीत शाह और कौशल बोरा हैं तो इन लोगों ने एक अपना पूरा वो तैयार किया
अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल ही नहीं रहे थे। तो फर्जी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव तैयार की, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और इसके बाद एक असली इंजेक्शन लिया और उन्होंने देखा तो ये समझ में आया कि ये जो इंजेक्शन है ये थोड़ा सा, जैसे इसमें ग्लूकोज मिलाते हैं तो पतला हो जाता है, पर ये असली जो इंजेक्शन रहता है वो थोड़ा सा थिक रहता है। तो उसने कहा, क्योंकि ये मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे तो इनको ये मालूम था कि ग्लूकोज और नमक जो है यदि शरीर के अंदर जाता है लिमिटेड क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते इसमें नमक मिला देते हैं थोड़ी सी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के कई राज खुलते जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में और भी कई चेहरों से पुलिस पर्दा उठाए।